एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल, केंद्र सरकार के कामकाज से 40% लोग संतुष्ट, 58% के साथ बतौर पीएम पहली पसंद बने मोदी। तमिलनाडु में आ सकते हैं चौंकाने वाले नतीजे, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 39 में से 39 सीटें, एनडीए का खाता नहीं खुलने के आसार। ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में भी एनडीए को लग सकता है झटका, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है राज्य की सभी 20 सीटें। कर्नाटक में एनडीए को इंडिया गठबंधन के मुकाबले बड़ी बढ़त, 28 लोकसभा सीटों में एनडीए को 23, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोई खास उलटफेर की संभावना नहीं, 42 सीटों में से बीजेपी को 20, टीएमसी को 20, कांग्रेस को 2 सीटें संभव। ओपिनियन पोल के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें, बीजेपी को 2, आम आदमी पार्टी को 4, कांग्रेस को 7 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान में बीजेपी का जलवा बरकरार रहने की उम्मीद, सी वोटर का ओपिनियन पोल, सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केरल और तमिलनाडु का दौरा, केरल में 2, तमिलनाडु में 1 रैली करेंगे। सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर में पीएम की रैली, दोपहर 2:15 बजे तिरुवनंतपुरम में जनसभा, शाम को 4:15 बजे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान का चुनावी दौरा, त्रिपुरा और मणिपुर में जनसभा, जयपुर में करेंगे रोड शो। आज कश्मीर में राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, दोपहर में उधमपुर के कठुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी का आज तमिलनाडु और केरल का चुनावी दौरा, नीलगिरी में चाय बगान के श्रमिकों से करेंगे बातचीत, वायनाड में करेंगे जनसंपर्क। आज राजस्थान के अलवर में प्रियंका गांधी का रोड शो, दोपहर 2 बजे दौसा के बांदी कुई में रैली को करेंगे संबोधित। बिहार के रण में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ, औरंगाबाद और नवादा लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनावी जनसभा, रैली के बाद जाएंगे सफाई, 16 अप्रैल को डिंपल के नामांकन में होंगे शामिल। मुरादाबाद में आज मायावती की जनसभा, बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद इरफान सैफी के पक्ष में करेंगे रैली। कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट, 3 राज्यों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। कन्हैया कुमार देंगे मनोज तिवारी को टक्कर, जालंधर से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी, इलाहाबाद से उज्जवल रेवती, रमन सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी। एसपी ने जारी की 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट, जौनपुर से पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा को टिकट। समाजवादी पार्टी ने फिर बदला बदायूं और सुल्तानपुर का टिकट, बदायूं में शिवपाल के बेटे आदित्य, सुल्तानपुर में अबराम बुआल निषाद प्रत्याशी। बिहार के सीवान से आरजेडी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, अवध बिहारी चौधरी को बनाया उम्मीदवार। मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा पर आरोप, बीजेपी प्रत्याशी पर बिना नाम लिए की आपत्तिजनक टिप्पणी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, मुरादाबाद में कहा हम नहीं मानेंगे यूसीसी और एक देश एक चुनाव। मोगा में बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस का किसानों ने किया भारी विरोध, पुलिस को किसानों पर करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। किसानों के विरोध करने के सवाल पर बोले हंसराज हंस, हम अकड़ने वाले बंदे नहीं बल्कि पैर में हाथ लगाने वाले बंदे। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक पवन कुमार टीनू आम आदमी पार्टी में शामिल, कहा एसएजी का कोई भविष्य नहीं दिखता। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, आपने रिंकू के जाने पर लगाए थे गद्दार के पोस्टर, अब क्या इनकलाब जिंदाबाद कहीं। कर्नाटक के मंगलुरु में पीएम मोदी ने किया रोड शो, मैसूर में कहा टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है कांग्रेस। अमित शाह ने महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में कांग्रेस पर निशाना साधा, बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अमित शाह का भूपेश बघेल पर निशाना, कहा इतना सारा भ्रष्टाचार करने के बाद अब सांसद बनना चाहते हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने वीडियो जारी कर चुनाव में पैसे बांटने का दावा किया, बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू के भाई पर आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए दरवाजे बंद, महाराष्ट्र में बीजेपी से लोग नाराज। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका, धैर्यशील मोहिते पाटिल ने ज्वाइन की एनसीपीएससी। मंडी में बीजेपी ने झोंकी ताकत, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया कंगना रनौत के साथ रोड शो। जगन मोहन रेड्डी के बाद टीडीपी प्रमुख पर भी हमला, अज्ञात शख्स ने विशाखापट्टनम में पब्लिक मीटिंग के दौरान चंद्रबाबू नायडू पर पत्थर फेंके। चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर पत्थर फेंकने का मामला, टीडीपी ने चुनाव आयोग से सीबीआई आईएनआई से जांच कराने की मांग।
रामपुर में एसपी प्रत्याशी पर बाबा साहेब की जयंती पर पुष्प नहीं अर्पित करने का मामला, मीडिया के सवालों से बचते नजर आए एसपी प्रत्याशी नदवी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भी प्रचार में ताकत झोंकी, ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में रोड शो किया। जम्मू कश्मीर में भी तेज हुआ लोकसभा चुनाव का प्रचार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने बनिहाल में रोड शो किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एबीपी न्यूज से कहा, वादों के साथ विश्वासघात, झुंझुना पकड़ाकर वोट लेने का काम करती है कांग्रेस। गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुनवाई। शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी, कोर्ट में पेश किया जाए। केजरीवाल से मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आमने सामने होगी मुलाकात। के कविता की सीबीआई हिरासत आज खत्म, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के लिए याचिका, आज फिर होगी सुनवाई, पिछली सुनवाई में ईडी ने विरोध किया। क्राइम ब्रांच को सलमान खान के घर फायरिंग मामले की जांच, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट करेगी मामले की तफ्तीश। पुलिस को मिली जानकारी, सलमान के घर फायरिंग करने के बाद दोनों आरोपी पहुंचे थे बांद्रा रेलवे स्टेशन, सांता क्रूज से ऑटो पकड़कर हुए थे फरार। बांद्रा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर केस दर्ज। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी ली, लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल। सलमान से मिलने के लिए पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, फायरिंग के मामले को लेकर मुलाकात। पुलिस के हाथ लगे सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, 15 टीमें कर रही हैं जांच, मामले की हर एंगल से हो रही है तफ्तीश। फायरिंग करने वाले दो संदिग्धों में से एक की पहचान हुई और विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है नाम। सलमान के घर के बाहर फायरिंग के मामले पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, मुख्यमंत्री बोले कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो सोना, भारतीय मूल का यात्री बैंकॉक से लेकर आया था गुड़। देहरादून में 3 बदमाशों ने लूटपाट की, चाकू की नोक पर परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और 20 तोला सोना लूट कर फरार। इटावा में मंदिरों में महिलाओं के आभूषणों की चोरी करने वाली 14 महिलाएं गिरफ्तार, 8 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में पानीपत गैंग का आतंक, गैंग से जुड़े बदमाश हथियारों की तस्करी, अवैध वसूली और रंगदारी के मामले से जुड़े। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत के बाद कार सवार लोगों की जिंदा जलाकर मौत। सीकर में दर्शन करके लौट रहे मेरठ के 7 लोगों की कार में जलकर मौत, कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत के बाद कार में लग गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में पैदल जा रहे लोगों पर चढ़ी एसयूवी, अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे थे 3 लोग। मध्य प्रदेश के इंदौर में रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग से तबाही, आग से पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक। दिल्ली के एक स्कूल में खड़ी 2 बसों में लगी आग पर पाया गया काबू, एक अधिकारी ने कहा 8 दमकल गाड़ियों को आग बुझाने के लिए लगाया था। जम्मू कश्मीर पर बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज, गुरेज घाटी में ऊंचे इलाकों में बर्फबारी। अयोध्या के राम मंदिर में आज से वीआईपी दर्शन और वीआईपी पास प्रतिबंधित, 18 अप्रैल तक नहीं होगा कोई वीआईपी दर्शन। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 29 जून से शुरू होगी वार्षिक अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल मार्ग में होती है यात्रा।